हेलो एवरीवन, आज हम मैथ मैजिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम आगे लर्न करेंगे चैप्टर 3, गिव एंड टेक। इट मींस दो और लो। लेट्स स्टार्ट। आई एम किट्टू, दिस इज माय होम। मैं कौन हूँ? मैं किट्टू हूँ और ये मेरा हाउस है, मेरा घर है। इजंट इट यूज, क्या ये बड़ा है? इट हैज 100 रूम्स। हेल्प मी इन पेंटिंग सम ऑफ द रूम्स। इसमें कितने कमरे हैं? 100 रूम्स है और आप मेरी मदद करोगे, मुझे इसे कोई कोई रूम है उसे कलर करना है। आई स्टार्ट फ्रॉम रूम 2। कहाँ से स्टार्ट करता है वो? नंबर 2 से। आई एड 10 to 2 टू रीच रूम 12 एंड पेंट इट। क्या किया उसने? 2 है उसमें, 10 है वो ऐड किया और 12 पे पहुंचा और उसे कलर कर दिया। 2 8 10 to 2 वी कैन गो ऑल द वे टू द राइट टू 10, देन अप टू 11 एंड वन स्टेप राइट टू 12। अब क्या कर सकते हो? 10 से 12 तक जाना है तो 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12 आएगा, तो आप 2 से लेके कंटिन्यू जाएंगे 10 तक, फिर 11 पे और वन स्टेप आगे जाओगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। राइट साइड 11 से राइट साइड में 12। दिस इज वन वे टू गो फ्रॉम 2 to 12। ये एक रास्ता है जैसे हम 2 से लेके 12 तक पहुंच सकते हैं। इज देयर अ शॉर्टकट? क्या कोई और शॉर्टकट है? ऑफ कोर्स, फॉलो मी। हाँ है, आप मुझे फॉलो करो। वी कैन जंप अप वन रो। हम क्या करेंगे? एक रो है उसे जंप करेंगे। अ जंप फ्रॉम 2 to 12 इज लाइक टेकिंग ब्लैंक स्टेप्स। क्या करेगा वो? कि 2 है और 2 से लेके सीधा 12 पे जंप करेगा, तो उतने उसने कितने स्टेप है वो लिया? चलो ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने स्टेप आएगा? 10 स्टेप। यहाँ पे लिखेंगे 10 स्टेप्स। नाउ ट्राई वन जंप अप फ्रॉम 14। अब क्या करना है? 14 है, वहां से हमें वन जंप लेना है। देखो यहाँ पे 14 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और हम वो 10 स्टेप का एक जंप ले रहा है कि 2, तो यहाँ से हम 10 स्टेप का जंप लेंगे तो उसके ऊपर 24 पे आएंगे। कहाँ पे आएगा? 24 पे। देखो यहाँ पे ये 10 पे है, 10 स्टेप का जंप लेगा तो 24 पे आएगा। 14 प्लस 10 तो आएगा 24। 14 में से 10 का जंप लगा के 24 पे आए। कलर दिस रूम। आपको 24 वाला रूम है उसे कलर करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये 24 वाला है उसे इसे कलर करना है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर है वो कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउ विल आई गो फ्रॉम 22 to 41। मैं 22 से 41 तक कैसे जाऊंगा? जंप फ्रॉम 22 to 42। क्या करेगा वो? 22 से 42 का जंप लगाएगा। चलो देखते हैं, 22 से 10 का जंप लगाएगा, पहला तो आएगा 32 पे, वापस 10 का जंप लगाए तो आएगा 42 पे, तो आ गया 22 to 42। देन वन स्टेप लेफ्ट, वी कैन राइट इट लाइक दिस। 22 प्लस 20 यानी कि ये दो बार जंप लगाएगा, 1 और यहाँ से ये 2। और ये क्या करना है उसे? 21 से 41 तक जाना है, सॉरी 22 से 41। तो यहाँ पे 22 है, 41 जाना है, तो वो 10 10 का दो जंप लगाए तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा? -1 करना पड़ेगा, तो आएगा 42 -1 तो आ जाएगा 41। समझ में आया? ये फर्स्ट जंप, ये सेकंड जंप, तो आएगा 42 पे, -1 करेगा तो वो किस पे आ जाएगा? 41 में। वो पहुंच गया 22 से 41 पे। हाउ मेनी स्टेप्स डिड आई गो इन ऑल? वो कितने स्टेप्स गया होगा इसमें? कितने स्टेप? ये वन स्टेप, ये 2 स्टेप और यहाँ से ये 3 स्टेप, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 स्टेप्स। नेक्स्ट, यू कुड ऑल्सो गो दिस वे। आप और दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो।
फ्रॉम 22 टेक वन स्टेप लेफ्ट टू 21। अब क्या करोगे, 22 से 41 जाना है तो पहले ही एक स्टेप है वो कट कर दोगे, यानी कि 22 माइनस 1 देन 2 जंप्स अप टू 41 है, तो 22 में से पहले हम एक निकाल देंगे तो आएगा 21। ये 22 है उसमें से एक कट किया तो आएगा 21। फिर वो वापस 10 10 के जंप लगाएगा, कितनी बार लगाएगा, दो बार, ये 10 का एक और ये 10 का दूसरा, यानी कि 20 क्या होगा, 41 पे पहुंच जाएगा, 22 से 41। तो यहाँ पे देखो वही किया है, फ्रॉम 22 टेक वन स्टेप लेफ्ट टू 21, 22 से एक लेफ्ट किया तो 21 पे आया, फिर देन 2 जंप्स अप टू 41, फिर 21 से वन जंप 31, 31 से वन जंप 41। यहाँ पे राइट किया है 22 माइनस 1 इज इक्वल टू 21, 21 प्लस 20 यानी कि 41। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, फाइंड माई फूड। अब क्या करना है, मेरा फूड है, मेरा खाना है, उसे ढूंढना है। ट्राई दी जोन किट्टू होम, आप इसे किट्टू के घर पे ट्राई कर सकते हो। हे आई हैव समथिंग मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू, मेरे लिए, मेरे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। माँ टोल्ड मी देर आर स्वीट्स टू ईट इन सम रूम्स, माने क्या बताया था मुझे कि स्वीट्स है खाने के लिए कुछ कमरों में। हेल्प मी फाइंड दैट रूम्स, आप मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। द आंसर्स फ्रॉम द नेक्स्ट पेज विल हेल्प यू फाइंड दैट रूम्स, नेक्स्ट पेज में जो आंसर है वो आपकी मदद करेंगे इसे फाइंड करें। मार्क देम इन माई होम, और उसे मेरे रूम में यहाँ पे मार्क करना है। देखो यहाँ पे ये किट्टू का घर है। पहले हम ये जो पजल्स भी है उसे हम सोल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ए 10 लेस देन 34 इज, 34 में से हमें 10 कम करना है। देखो यहाँ पे क्या है, 34 है उसमें से 10 कट करना है। ये 34 है उसमें से 10 कट करेंगे तो क्या आएगा, 10 का जंप लेंगे तो कहाँ पे आएगा, 24 में। तो हम आगे पे आगे लिखेंगे 24। नेक्स्ट 53 माइनस 20, 53 है वहां से वो कितने जंप लगाएगा, 20 है तो दो जंप। तो हम यहाँ पे आगे देखते हैं, यह रहा 53 और वो दो जंप लगाएगा, तो पहले जंप में आएगा 43 पे और वापस एक जंप लगाएगा तो क्या पे आएगा, 33 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 33। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 33। नेक्स्ट 11 मोर देन 31 इज, 31 है उसमें 11 ऐड करना है। देखो बच्चों अगर ऐड करना है तो हम अप जाएंगे और लेस करना है तो हम डाउन जाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है, 11 मोर देन 31, तो 11 है उसमें क्या करना है, 31 है, सॉरी 31 है उसमें 11 ऐड करना है, तो 31 यहाँ पे है तो हम वो 10 का जंप लगाता है तो 10 जंप लगाएगा तो वो आएगा 41 में, फिर 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, तो वो कहाँ पे आएगा, 42 पे। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 42। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 42। नेक्स्ट डी 11 लेस देन 66 इज, क्या करना है, 66 में से 11 है वो कट करना है। चलो देखते हैं 66 कहाँ पे है, यहाँ पे वो 10 का जंप लगाएगा तो हम क्या करेंगे, 10 का जंप लगा के यहाँ पे नीचे आएंगे, 11 लेस करना है तो 10 हो गया, अब और एक कट करेंगे तो वो कहाँ पे आएगा, 55 में। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 55। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 55। नेक्स्ट ई 62 प्लस 13, 62 है उसमें 13 ऐड करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं 62 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे 10 का जंप लगाएगा वो पहले, तो यहाँ पे आएगा 72 पे। अब 13 ऐड करना है तो क्या आएगा, उसमें 3 ऐड करेंगे, 1 2 और 3, तो 72 है तो 73, 74 और 75 क्या आएगा, 75। तो इसका आंसर होगा 62 प्लस 30 में आएगा 75। नेक्स्ट एफ 23 लेस देन 89 इज, 89 है उसमें से हमें लेस करना है 23। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 89 को ढूंढेंगे, ये रहा 89, लेस करना है तो हम क्या, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, अप या डाउन, लेस करना है तो हम डाउन डायरेक्शन में आए।
23 बोला है तो 10 10 के 2 जंप लगाएगा वो पहले, ये 1 पे आएगा 79 पे, वापस 10 का लगाएगा तो आएगा 69 पे, तो हो गया 20। अब उसे क्या करना है, और 10 ही, सॉरी और 3 है वो कट करना है, 1 2 और 3, तो कहाँ पे आएगा वो 66 पे आएगा। देखो ये 10 20 21 22 और 23, 89 में से 23 कट करेगा तो आएगा 66, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 66। नेक्स्ट जी, 10 and 40 मोर इज, इसलिए क्या करना है, 40 ही है उसमें 10 ऐड करना है, वो 10 का ही जंप लगाता है, यहाँ पे है 40 तो 10 का जंप लगाया गया तो कहाँ पे आएगा 50 पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50। नेक्स्ट एच, 9 added to 28 गिव्स, इसमें क्या करना है, 28 है उसमें 9 है वो ऐड करना है। देखो बच्चों सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, 28 ये रहा 28, हमें क्या करना है 9 ऐड करना है, तो जंप कितने का लगाता है 10 का, तो हम 10 का जंप लगाएंगे तो वो आएगा 38 पे, पर हमें तो सिर्फ 9 ही करना है, तो हम एक है वो कट करेंगे, तो ये लेस होगा तो कहाँ पे आएगा 37 पे, 28 में 9 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 37, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 37। नेक्स्ट आई, सम ऑफ 9 and 44 इज, क्या करना है, 44 है उसमें 9 ऐड करना है, तो हम 44 ढूंढेंगे, यह रहा 44, इसमें 10 का जंप लगाएगा तो वो कहाँ पे आएगा, 44 है तो 10 का जंप लगाएगा तो 54 पे आएगा, पर हमें तो सिर्फ 9 ऐड करना है, 9 को ऐड करना है, तो 54 में से एक कट करेंगे तो आएगा 53, यानी कि हो गया 9, 44 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 53, तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे 53। नेक्स्ट जे, रिड्यूसिंग 98 by 34 गिव्स, क्या करना है, 98 है उसमें से हमें 34 है उसे रिड्यूस करना है, यानी कि कट करना है, तो हम क्या करेंगे, डाउन डायरेक्शन में जाएंगे, पहले हम क्या ढूंढेंगे 98, 98 मिल गया यहाँ पे है, 98 में से हमें 34 करना है, तो 10 10 के कितने जंप लगाएंगे, 3 जंप, ये 1 ये 2 और ये 3, तो आ गया 68, उसे क्या करना है 34, तो ये तो 10 20 30 ही हुआ, हमें और 4 ऐड करना है, क्या करना है रिड्यूस करना है, तो हम उसमें से कट करते जाएंगे, तो ये 1 कट किया, ये 2 कट किया, 3 कट किया और ये 4 कट किया, तो कहाँ पे आएंगे हम 64 में, तो इसका आंसर क्या होगा 64, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 64। नेक्स्ट के, 4 and 37 मोर इज, इसमें क्या करना है, 37 है उसमें हमें 4 ऐड करना है, तो हम पहले क्या ढूंढेंगे 37, ये रहा 37, कि 2 है वो कितने का जंप लगाता है 10 का जंप लगाता है, इसमें हमें क्या करना है ऐड करना है, तो 10 का जंप लगाएगा तो वो आएगा 47 है, पर हमें तो सिर्फ 4 ही ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे 6 से वो कट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे उसे 1 2 3 4 5 6, 6 कट करेंगे तो कहाँ पे आएंगे 41 में, तो 37 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 41, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 41। नेक्स्ट एल, टेक 35 अवे फ्रॉम 83 वी गेट, क्या करना है, 83 है उसमें से हमें 35 है वो कट करना है, तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, कौन सा नंबर मिलेगा, कौन सा रूम नंबर आएगा, पहले हम क्या ढूंढेंगे 83, तो ये रहा 83, इसमें से हमें कट करना है 35 कट करना है, तो 10 10 के जंप लगाता है, तो लेफ्ट साइड डाउन डायरेक्शन में जाएंगे 10 20 और 30, ये 30 पे कहाँ पे आएगा 53 पे, तो हमें क्या करना है और 5 कट करने पड़ेंगे, वो 10 10 का लगाएगा तो 5 कट करेंगे तो हम उसे कट करते जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 कट करेंगे तो कहाँ पे आएंगे
48 पे, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमें कौन सा रूम नंबर मिलेगा, 48, तो वी गेट 48। देखो बच्चों, यहाँ पे जो आंसर्स आए हैं वही वाले रूम से वो हमें हाउस में कलर करने हैं। मैंने यहाँ पे वही वाले रूम है वो कलर करके दिए है, आपको सिर्फ यही है वो कलर करना है। थैंक यू।